हाय ऑल, इस वीडियो में हम जानने वाले कि किस तरीके से हम आंखों को देखकर बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इससे जानने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आंखों के कॉर्नर्स पे हमें हार्ट के बारे में पता चलता है, जो वाइट वाला पार्ट होता है वहाँ से हमें लंग्स के बारे में पता चलता है। अगर इस पर कुछ भी स्पॉट्स आ रहे हैं या इसका कलर चेंज हो रहा है तो ये सब लंग्स के बारे में हमें बताएगा। आयरिस जो होता है वो हमें लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में बताता है। जो पुपिल होता है उससे हमें किडनी के बारे में पता चलता है। हमारा जो यहाँ वाला रीज़न है, मतलब स्क्लेरा में ही ये वाला रीज़न, हमें ब्रेन के बारे में, हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में बताता है। हमारे बीच का जो पार्ट है वो स्प्लीन के बारे में बताता है, और जस्ट उसके नीचे का बीच का पार्ट स्टमक के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है, मतलब जहाँ नोज़ है हमारा, इस तरफ नोज़ है, नोज़ के साइड वाले एरिया में हमें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पता चलता है, और उसके उल्टे साइड में हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पता चलता है। तो ये है ओवरऑल माइक्रो डिटेल्स ऑफ दी ऑर्गन्स ऑन आवर आइज। माइक्रो डिटेल्स मतलब छोटी छोटी बारीक ऑर्गन्स के बारे में भी हम अपने आँखों को देख कर, अगर हम बहुत दिनों तक इसे प्रैक्टिस करते रहें तो एक दिन हम अपने आँखों से ही सभी ऑर्गन्स को डायग्नोस कर पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। जैसा इस एरिया में आप देख सकते हैं, एक बहुत ही डार्क नस है लाल रंग का। तो ये जो वेसल्स है, ब्लड वेसल, ये हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये कौन सा क्रॉस्पॉन्डेंस है, पहले तो ब्रेन का, ठीक है। तो ब्रेन के क्रॉस्पॉन्डेंस में ये जो नस दिख रही है हमें रेड कलर की, इसका मतलब ब्रेन में कहीं ना कहीं क्लॉटिंग है। और इस पेशेंट ने सच में डायग्नोस करवाया, सच में अपना मेडिकल टेस्ट करवाया और उसके ब्रेन में क्लॉटिंग था। तो इससे प्रूव होता है कि आई डायग्नोसिस कितना सटीक और कितना सही है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें भी देखिए, आप पहले पूरे आँख को आराम से देख लीजिए पर्सन के, फिर आप बताइए कौन सा नस आपको बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, कौन सा वीन आपको बहुत डार्क नज़र आ रहा है, क्या ये डार्क नज़र आ रहा है ज़्यादा, या ये और या फिर ये। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला ज़्यादा मोटा और डार्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे पर्सन के प्रॉब्लम है, इन जगहों पे भी प्रॉब्लम है, बट उतने मेजर लेवल पे नहीं है कि वो दिखे। बट ये वाला जो जगह है यहाँ पर बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मतलब ये भी ब्रेन का क्रॉस्पॉन्डेंस है और ब्रेन के अंदर इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो ये पेशेंट का साथ साथ में सिम्टम्स और भी आपको मिलेंगे, जैसे हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आना, ये सब भी इसके सिम्टम्स हैं। अब साथ ही साथ आपको ये मिल गया तो आपको समझ में आ गया कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो रहा है या फिर ब्रेन में ब्लड स्टेटिस है कहीं ना कहीं, तो आप उसका पॉइंट लगा देंगे, ब्लड स्टैग्नेशन का पॉइंट, और इससे आप पर्सन को आराम से ठीक कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ये आँख का जो ये रेड कलर का वेसल है, ये धीरे धीरे फेडअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड क्लॉट ख़त्म हो रहा है। अब आप में से किसी को कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, आपके डियर वंस को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, अपने ग्रुप्स में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और मुझे भी एक बूस्ट मिले, ताकि मैं और भी डीप डिटेल्स के वीडियोस लेकर के आ सकूं। थैंक यू।